अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रॉस मेहंदी डिज़ाइन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, जो कि पार्टी वेयर में भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी सिग्नेचर मेहंदी डिज़ाइन में फ्लावर, लीफ और पेटल कंपलसरी होते हैं, तो आज की भी वीडियो ऐसी है जिसमें आपकी लीफ, पेटल, फ्लावर से ही कंप्लीट डिज़ाइन क्रिएट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं अरेबिक डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोजेस यहाँ पे ड्रॉ कर ली। यहाँ पे फिलिंग नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए आउटसाइड के पार्ट, आउटसाइड के जो आउटलाइन है ये ड्राई होने के बाद अगर आप फिलिंग करेंगे उसकी फिनिशिंग कुछ और ही होगी। तो यहाँ पे वही काम मैं करूँगी, पहले ड्रॉ कर लूँगी, इसके बाद कुछ कुछ पार्ट जो है मैं फिलिंग करते जाऊँगी ताकि ड्राई भी होते रहे। आप लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि आप ही ये बताएं कि प्राइस कितनी लेनी चाहिए, ब्राइडल मेहंदी के चार्जेस कितनी लेनी चाहिए, पार्टी मेहंदी के चार्जेस कितनी लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग देखें कि आप लोगों को लोग कितना पहचानते हैं। अगर आप न्यूली हैं, न्यूली आर्ट हैं, या आप स्टार्ट करने वाले हैं, एक एकेडमी या इंस्टीट्यूट ओपन करने वाले हैं, या आप मेहंदी लगाने के लिए अपने क्लाइंट बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में कम प्राइस लें। आप कम प्राइस लेके आप पहले अपने आप को मनवा लें कि आपको एक अच्छी आर्ट आती है, और इस तरह आप लोगों को लोग जान पहचान इस तरह बनेगी आप लोगों की। मुझे मालूम है कि मेहंदी आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट के मेकअप में भी इतनी मेहनत नहीं होती है जितनी मेहंदी आर्ट में होती है, और इसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ग्रोथमेंट के लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। जिस तरह के ये डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ ये है पार्टी मेहंदी डिज़ाइन, जो रिस्ट से यहाँ पे लगाई गई है। तो ये नॉर्मली आप 250 भी यहाँ पे प्राइस ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 250 चार्जेस आप लोग ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया आप देखें। और वही बात है कि आप स्टार्टिंग अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, तो आप कम भी लें, ठीक है। आप कम लेंगे, ऐसे ऐसे ग्रोथमेंट हो जाएगी, तो फिर अपनी चार्जेस आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। जहाँ तक बात आती है ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन की, तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप कम ही लें, लाइक 2000 से काम स्टार्ट कर लें, या 3000 से कर लें, या 4000 भी ले सकते हैं। ऐसा ऐसे जब आप बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाए, तो फिर अपनी डिमांड और इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाना एक बहुत मुश्किल टास्क है मैं समझती हूँ। और जो एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं और जिस तरह फीलिंग्स होती है, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, ये एक ऐसी आर्ट है जो हर किसी को नहीं लगाने आती है, और मेहंदी आर्टिस्ट की आपको पता है कि डे बाय डे कितनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होते जा रही है। और जिन्हें बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है, ऑब्वियसली उनके पास तो बहुत रश होते हैं, स्पेशली कुछ इवेंट हो या कुछ फेस्टिवल हो। सो कोशिश करें अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आप लोग क्रिएट करें, फिनिशिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने हैंड पे ले करें। अब मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को एंजॉय करें। टेक केयर, खुदा हाफिज़। We'll be right back.